गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। टुडे वी आर गोइंग अबाउट द डिस्कस द एसे ऑन द टॉपिक द फार्मर। ओके चिल्ड्रन, यू नो फार्मर, फार्मर आर द बैकबोन ऑफ आर कंट्री, आर एज आर होल बॉडी डिपेंड ऑन आर बैकबोन, सो आर होल कंट्री इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फार्मर्स। हमारा पूरा देश फार्मर्स के ऊपर आधारित है। ऑल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी भी आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब पैसे, फाइनेंशियली डेवलपमेंट होती है किसी देश की, इन द कंट्री इज पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, ओनली इफ द फार्मिंग कम्युनिटी इज टेकन केयर ऑफ द ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। किस पे? सबसे पहले अगर हम किसानों को देखेंगे, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तभी हमारा देश पूरी तरीके से समृद्ध होगा। ठीक है, किसी भी देश की समृद्धि के पीछे उसके किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। फार्मर्स आर द लाइफ लाइन होते हैं वो हम लोग ऑफ द ट्रेजेक्ट्री और द इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर के धंधान के सेटअप। ठीक है, दे आर नॉट ओनली डिसाइड द क्रॉप्स, खाली फसलों के बारे में नहीं सोचते, ये यील्ड ऑफ सीजन, वो अब सीजन नहीं देखते बल्कि उसको उगाते रहते हैं, बट ऑल्सो दे टाइप ऑफ क्रॉप्स वी प्रोड्यूस, तरह तरीके की क्रॉप्स, किस किस समय पे कौन कौन सी खेती करनी है, वो प्रोड्यूस करनी है, वो देखते हैं। इन द प्रेजेंट डे एंड एज, आज के समय पर, डे आज के दिन, आज समय पर, द गवर्नमेंट इज टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ देम, जो हमारी सरकार है वो किसका, किसानों का, खेती का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। ठीक है, टेक केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। इन सेवरल कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एडवांस, और भी कंट्रियों में, सेवरल कंट्रीज, कई कंट्रियों में भारत से के बाहर भी क्या हो रहा है, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, फार्मिंग को कैसे टेक्नोलॉजी से अच्छा बना सकता है, हैज़ बिकम एडवांस हो चुकी है एंड हाईली साइंटिफिक, और वैज्ञानिक भी हो गई है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर कंट्री, और हमारे देश में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। We should respect them. हमें किसानों की respect करनी चाहिए, farmers की respect करनी चाहिए। They played important. वो हमारी life में कौन? They किसके लिए use हुए? Farmers के लिए। Farmer play an important role in our country. हमारे देश में एक बहुत ही important role निभा रहे हैं। We should respect them. We should respect our farmers because they don't थिंक डे और नाइट, वो अब क्रॉप्स के बारे में ही सोचते हैं ताकि हम लोग को अच्छा अनाज मिल सके। ओके चिल्ड्रन, राइट दिस एसे इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी। ये एसे आपको कहाँ उतारना है? इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी में। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।